प्रणाम सभी को, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब से मेरे यूट्यूब चैनल पर हर हफ्ते एक किसी न किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत की जाएगी और उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा होगी। और आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज़्म। कई बार मुझे जो है कई सारे लोग मैसेजेस करते हैं और ये कहते हैं कि जर्नलिज़्म के बारे में कुछ बात ज़रूर किया करो कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पत्रकारिता में कैसे जाए। देखिए, मैं एक डोगरा पत्रकार हूँ जम्मू कश्मीर का और मैं इस फील्ड में पिछले 22 सालों से हूँ। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। ये फील्ड कोई इतनी आसान फील्ड नहीं है, इसीलिए पहली बात तो मैं सभी से कहूँगा, जो मेरी युवा पीढ़ी है, जो मेरे यंगस्टर्स हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को पत्रकार बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट बने, तो पहले तो उनको काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ये अपनी लाइफ में सोच के चलना है कि ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इतना बड़ा चैनल मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले, कई बार कम भी मिल सकते हैं। आज भी कई बार मेरी वीडियोस को भी कम व्यूज़ आते हैं, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। ये एक ऐसी स्टेज है जर्नलिज़्म में होती है जिसको हम लर्निंग स्टेज कहते हैं, कि रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखना है। तो मेरी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहे तो उनको क्या करना है, किस तरह से उनको जर्नलिस्ट बनना है, आज का टॉपिक ये है। तो जो भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको जर्नलिज़्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जर्नलिज़्म की पढ़ाई आजकल हमारे जम्मू की पहले मैं बात करता हूँ, कश्मीर में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्नलिज़्म की के कोर्सेज़ करवा रही हैं, लेकिन जम्मू के अंदर एक पीजी डिप्लोमा होता है और वो पीजी डिप्लोमा आप जो हैं इग्नो से कर सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी जाती है एक ग्रेजुएट होना, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं जर्नलिज़्म में, एक साल का रहता है वो, और उसके लिए आपको इग्नो में अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, ये कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बैचलर्स डिग्री करें जर्नलिज़्म में, तो आप 12वीं के बाद एक गांधी मेमोरियल कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं जर्नलिज़्म में। और अगर आप चाहते हैं कि आप जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, आप उसके उस एलिजिबिलिटी से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि राया में है, जहाँ से मैंने भी जर्नलिज़्म किया है, आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं। तो आपको मास्टर्स अगर करना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको बैचलर्स करना है, बैचलर्स आप चाहते हैं जर्नलिज़्म के, तो आप गांधी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप इग्नो से भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी जम्मू में है, आप डिप्लोमा कोर्स वहाँ से भी कर सकते हैं, वो फुल टाइम रहता है। बाहू प्लाज़ा में इनका एक सेंटर चलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पहले तो उनके लिए ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे जर्नलिज़्म की, तो कई सारी आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई ऐसी ऐसी पत्रकारिता होती हैं जो कि अगर बिना डिग्री के कई लोग अगर पत्रकार हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको जब डिग्री की बात आती है तो उनको भी लगता है कि हाँ डिग्री होनी चाहिए, और कई सारी पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं उनको उसके बारे में पता नहीं चलता जो हम पढ़ाई करके सीखते हैं। तो मैं अपने युवा पीढ़ी को, खास करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट बने, तो उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल था कि पहले आप एक अच्छा कोर्स करें जर्नलिज़्म का। ये तो रही जम्मू और कश्मीर की बात, अगर आप और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे इंस्टीट्यूट से
जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आप जम्मू कश्मीर से बाहर भी जा सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इसके अलावा आप दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो कोर्स काफ़ी महंगा भी रहता है, डिग्री महंगी भी रहती है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करते हैं तो इतना महंगा कोर्स नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एक एंट्रेंस देना है और उसके बाद सरकारी फ़ीस जितनी होती है, मैंने भी एंट्रेंस देकर, मैं भी कोई इतना कोई अमीर नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं भी इतनी फ़ीस नहीं दे सकता था, वरना मैं भी दिल्ली मुंबई में या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई करता। तो मैंने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उससे पहले कई लोग जानना भी चाहते हैं कि मेरी कहाँ कहाँ से पढ़ाई हुई है, कई लोग मैसेजेस करते हैं, तो उनके लिए आज मैं बताता हूँ। मैंने 10वीं तक अपनी पढ़ाई जो है शिक्षा निकेतन स्कूल से की है, जो जीवन नगर में है, जिसके प्रिंसिपल श्री रामेश्वर महंगी जी हैं। इसके अलावा मेरी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई है, SRML, जो कि हमारे परेड में स्थित है, पुराना स्कूल है, और रणबीर हायर सेकेंडरी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। इसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने BCOM की है, मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो BCOM मैंने जो है कॉमर्स कॉलेज से की है, जो साइंस कॉलेज के बिल्कुल साथ है। इसके अलावा मैंने इग्नो से डिप्लोमा कोर्स किया है, PG जर्नलिज़म का जो PG डिप्लोमा रहता है, और उसके बाद मैंने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है, मास्टर्स इन जर्नलिज़म एंड न्यू मीडिया। तो आज का वीडियो ये स्पेशल मेरे यंगस्टर्स के लिए, अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहे तो पहले उनको पढ़ाई करनी है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको और चीज़ें भी बताऊँगा, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और जो लोग अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, या जो लोग छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्ट्स हों या कोई भी पब्लिक इश्यूज को उठाते हैं, अगर वो सिटीज़न जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आज का वीडियो है, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर पढ़ाई की ज़रूरत है, एक जर्नलिज़म की डिग्री की ज़रूरत है, एक जर्नलिस्ट क्या होता है वो एक प्रॉपर पढ़ाई की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं बात करूँ, तो मैं उस टॉपिक पर भी बात करूँगा। लेकिन अगला वीडियो मेरा जो होगा वो होगा कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो आप अपने आप को एक अच्छा जर्नलिस्ट कैसे बना सकें। धन्यवाद, सभी को राम राम।